I hope you are safe at your home. और आज हमारा टॉपिक है प्रोनाउन. किसी क्लास में कभी कोई टॉपिक आता है, किसी में कोई, क्योंकि प्रोनाउन जो है ना उसके टाइप होते हैं 11. अब उसमें अलग अलग, किसी क्लास में इंडेफिनेट प्रोनाउन आ जाता है, किसी में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है. मैं आपको सारे के सारे 11 प्रोनाउन के बारे में पूरा एनालिसिस करूंगी. पहले मैं ब्रीफली बता रही हूँ आप लोगों को कौन कौन से होते हैं और उन प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं. जैसे पर्सनल प्रोनाउन है, तो पर्सनल प्रोनाउन में हम लोगों के पर्सन्स होते हैं. आप लोगों को मैं क्लास में भी काफी बार बता चुकी हूँ कि पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. और फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, तो ये पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. सबसे पहले डेफिनेशन, प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन. आप लोगों को नाउन की डेफिनेशन याद है, नाउन इज ए प्लेस, पर्सन और थिंग्स. तो उसके जगह जो काम आते हैं, जो वर्ड काम में लिए जाते हैं, जैसे मैंने लिखा राम, तो राम की जगह जो अगर हम कोई भी वर्ड यूज करते हैं तो वो हमारा प्रोनाउन होता है. जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम इज इंटेलिजेंट. तो बार बार अगर हम किसी नाउन के बारे में बोलते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है. तो उसके जगह एक बार हमने नाउन का नाम लिया और दूसरी जगह उसी नाउन के उसमें उसके जगह पे हम लोग प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं. तो इस तरह से ये है कि राम इज ए गुड बॉय, राम इज इंटेलिजेंट. तो अगर हम इसमें प्रोनाउन लगाते हैं तो राम इज ए गुड बॉय, ही इज इंटेलिजेंट. जो ही वर्ड राम की जगह लगा है वही हमारा प्रोनाउन होता है. तो डेफिनेशंस आप अच्छे से याद रखो कि प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन. प्रोनाउन एक शब्द है जो नाउन की जगह यूज किया जाता है. प्रोनाउन आर 11 टाइप्स. प्रोनाउन 11 टाइप्स के होते हैं. कभी कभी देखा जाता है कि ग्रामर की बुक्स जो होती हैं आप लोगों की ऑक्सफोर्ड वाली, तो उनमें किसी में 7 दिए होते हैं, किसी में 8 दिए होते हैं, बट टोटल प्रोनाउन जो आपके हैं वो 11 है. 7th क्लास में रिलेटिव प्रोनाउन दे दिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे दिया, कभी कभी इंडेफिनेट है, कभी 2 प्रोनाउन किसी कोर्स में दे दिए जाते हैं, 8th क्लास में 2-4 और कर दिए जाते हैं. तो इस टाइप से जब सारा एक साथ किसी भी कोर्स में नहीं आता है, ये ध्यान है. आपको अगर कहा जाएगी इस क्लास में सारे के सारे प्रोनाउन आते हैं तो ऐसा नहीं है, लेकिन हमें इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए. क्योंकि आपके ग्रामर पोर्शन जितना स्ट्रोंग होगा आप उतने ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस हो सकते हैं. क्योंकि ग्रामर लिटरेचर है वो उसी क्लास का, जो अगर 7th की बात करती हूँ या 8th की बात करती हूँ, तो जो लिटरेचर पोर्शन है, इट मीन्स आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो उसी वक्त वहीं ख़त्म हो जाती है. कि आप अगर 8th में है तो 8th में ही पढ़ोगे, 9th में उन बुक्स को नहीं पढ़ोगे. लेकिन ग्रामर का ऐसा हिसाब है कि ग्रामर जितना करो उतना कम, अनलिमिट कोर्स होता है इसका. और नॉलेज आप अगर जितना लोगे ना, आपकी इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश पॉइंट इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे कि मुझे ग्रामर का ये पोर्शन नहीं आता. और इस वक्त आपके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपके कोचिंग वालों ने ये सारे के सारे फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल करवाई हुई है. तो सारा का सारा पॉइंट आपके सामने पूरा एनालिसिस करके हर सब्जेक्ट का भेजा जा रहा है. तो सबसे पहले प्रोनाउन 11 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, मैंने इनका हिंदी भी लिखा है. उसके बाद में कि पर्सनल प्रोनाउन में कौन से वर्ड यूज होते हैं वो मैं आपको आगे फिर इन्हीं के पीछे लिख के बता दूंगी. तो इसमें पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट है आपका पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है. सेकंड पॉइंट है पजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक, किसी भी उस पर अधिकार रखना. जैसे हमने वो किया था आपका नाउन केस वाला टॉपिक किया था, उसमें आपको बताया हुआ है कि ये वर्ड्स हैं जो अपने अधिकार में लेते हैं. फिर है डेमोन्स्ट्रेटिव. डेमोन्स्ट्रेटिव होता है संकेतवाचक,
जिसमें इंडिकेट किया जाता है, संकेत दिया जाता है कि आपको ये काम ऐसे करना है। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाजनवाचक, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो कि ये सारे के सारे प्रत्येक बच्चे को दे दो, ये स्वीट्स हैं सब में बांट दो। तो ये इस तरह से जो प्रोनाउन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। अगला है रेसिप्रोकल, पारस्परिक संबंध, कि आपस में जो हम लोगों का संबंध होता है, जो सेंटेंस का सेंटेंस से होता है उसके उसका आता है ये वाला प्रोनाउन। फिर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उसके बाद में है एम्फेटिक, कई जगह हम एम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ते हैं और कई बार होता है कि हमारे को एम्फेटिक वर्ड नहीं मिलता है, एम्फेसाइजिंग वर्ड यूज किया जाता है। एम्फेसाइजिंग, किसी चीज के ऊपर बिल्कुल पावर लगाना, दृढ़वाचक सर्वनाम कहा जाता है। दबाववाचक, इसमें किसी के ऊपर कोई फोर्स डालने के लिए हम इसका यूज करते हैं, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। तो सेवन आपके हो गए। फिर आता है इंडेफिनेट प्रोनाउन, इंडेफिनेट अनिश्चित, जिस जो भी कोई निश्चय नहीं होता है, तो ये होता है आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन। फिर आता है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक, किसी से संबंध बताना। फिर है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, आप ये अच्छे से समझ सकते हो, कुछ वर्ड्स हैं जो आपने शायद पहली बार सुने हैं सेवन्थ एट्थ और नाइन्थ वाले स्टूडेंट्स ने। अदरवाइज हम लोग जब क्लास में ग्रामर क्वेश्चन की बात करते हैं तो मोस्टली ब्रीफली आप लोगों को मैं हमेशा ही इनके बारे में जानकारियां देती रहती हूँ। अब आपको इन सारे के सारे प्रोनाउन, अच्छा टेंथ हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फिर आता है इलेवन आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। सेंटेंसेस के बारे में आपको पूरी जानकारी है, इनमें से कुछ वर्ड्स हैं जो आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। तो ये आपके हो गए इंट्रोगेटिव 11 प्रोनाउन। अब एक एक के बारे में कि पर्सनल प्रोनाउन में कौन से वर्ड यूज होते हैं ये मैं आपको अभी लिख के देती हूँ। जैसे पर्सनल प्रोनाउन आपका होता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या है ये हम लोग बात करेंगे इसमें। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई माय मी, ये लोग ये चीजें आपको मैंने बार बार याद करवाई हुई है। आई थिंक जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो सारा का सारी पूरा का पूरा चार्ट बनाना आता है। मैं रिपीट कर रही हूँ अपने पॉइंट को, पर्सनल प्रोनाउन उसका फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई माय मी। इसी का अगर प्लूरल पॉइंट बनाते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा सिंगुलर पॉइंट की बात होता है, आई माई मी, इसी का प्लूरल बनता है आपका वी, आई का बनेगा वी, मी आवर अस, आई माई मी वी आवर अस, ये पर्सन फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन इट मींस मैं जो हूं वो फर्स्ट पर्सन हूं, सेकंड पर्सन यू तुम। अब मैं और आप मिलकर जिस पॉइंट के, जिस प्रोनाउन के बारे में या जिस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं वो किस, वो कौन होता है, थर्ड पर्सन, ही सी इट, किसी का भी नाम दे देन, ये सारे के सारे वर्ड्स होते हैं आपके पर्सनल प्रोनाउन के लिए। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव केस आपने बात करी थी उसमें जो वर्ड्स यूज हुए हैं मोस्टली पॉइंट तो उसी में वही आ जाएंगे। तो अब मैं आपके यहाँ लिख देती हूँ, आप अच्छे से इनको राइट कर लें, लिख लेना। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में ये वर्ड्स आते हैं आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम। पर्सनल प्रोनाउन जो अगर हमारे सब्जेक्ट में हम यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं, तो ये वाले अगर वर्ड्स आते हैं तो ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अच्छा कुछ प्रोनाउन ऐसे भी होते हैं जो सिमिलर भी होते हैं, उसके लिए सिर्फ एक या दो पॉइंट ऐसे, उनमें रूल ऐसा बनता है
कि थोड़ा सा अगर हम ध्यान नहीं दें तो हमारा गलत हो सकता है। तो उसके लिए मैं आपको पूरा रूल लिखवाऊंगी। जैसे आपका ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में, इनमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सिमिलर मिलेंगे, तो उसके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। फिलहाल पर्सनल प्रोनाउन में आता है आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम। सेकेंड पॉइंट है आपका पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन में आते हैं आपके माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये आपके हैं पजेसिव प्रोनाउन। फिर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव में संकेत करना, इंडिकेट करते हैं जो जिसी, जैसे भी हम किसी भी पोर्शन को, किसी भी थिंग्स को कि ये वाला, तो इस तरह से कि इसके लिए दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ऐसा, द सेम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज, दोज, सच और द सेम। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, बांटना। बांटने के यानी किसी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, किसी भी वस्तु को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो यूज करते हैं, जो वर्ड्स हम यूज करते हैं नाउन की जगह प्रोनाउन का, तो वो आते हैं हमारे ईच, इधर और निधर। ईच, इधर, निधर, या इसे आइदर और नाइदर भी कहते हैं कहीं। अब है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में सिर्फ दो वर्ड हैं, ईच अदर और वन अनोदर। इसमें केवल दो ही वर्ड हैं, ईच अदर, वन अनोदर। अब आपका आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, तीनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। तो इसके लिए आप जब रूल, अभी तो मैं सिर्फ इनके बारे में ब्रीफली आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, आइडेंटिफाई करवा रही हूँ कि कौन कौन से वर्ड इसमें यूज होते हैं, लेकिन जब एक एक पॉइंट का लेंगे, जैसे पर्सनल प्रोनाउन के इसके रूल के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा हम चार्ट बनाएंगे कि सिंगुलर पोर्शन में क्या यूज करते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट जो नाउन है उसमें प्लूरल अगर हमें लगाना है तो क्या यूज करते हैं, इस तरह से पूरा का पूरा चार्ट बनाया जाएगा। तो वो तो पहले आप ब्रीफली इनके बारे में इंट्रोडक्शन तो करो कि हाँ ये चीज होता क्या है, उसके बाद में फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, ये देखिए यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल की भी बात आ रही है साथ साथ। माई सेल्फ, मेरा अपना, योर सेल्फ, हमारा अपना, आवर सेल्फ, हमारा अपना, योर सेल्फ, तुम्हारा अपना, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, हर सेल्फ, itself, themselves और oneselves। इतने इनको ध्यान से देख लेना, मैंने लिखने के साथ साथ आप लोगों को प्रोनाउंस करके भी बताया है कि ये कौन कौन से हैं। कई बार क्या है कि कोशिश तो पूरी रहती है मुझे कि मैं, मेरी कि मैं आप लोगों के लिए बड़ा लिखूं, जो वर्ड्स हैं वो थोड़े बड़े साइज में करूं, लेकिन फिर भी कभी कभी हो ही जाता है मिस्टेक। तो आप लोगों को जब भी मैं कोई भी पॉइंट लिखती हूँ तो उसके साथ में आपको प्रोनाउंस भी करती हूँ, तो आप अगर लिखने में दिखाई नहीं दे तो आप लोग जो है मेरी आवाज से पता लगा लिया करो कि ये कौन सा वर्ड है। कोशिश मेरी पूरी रहती है, एक दो बार आप लोगों के कमेंट भी आए कि मैम आप मोटा थोड़ा बड़ा लिखो, हमें दिख नहीं रहा है, तो उसके बाद मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आप लोगों के लिए ये मतलब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ। लेकिन कई बार क्या होता है बेटा कि हम लोग जब रूल्स जब हम लिखते हैं तब मैं आपको बिल्कुल क्लियरली लिख देती हूँ, लेकिन जब मैं आपको समझाने लगती हूँ तो उस वक्त क्या है कि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताती रही, फिर जब लास्ट में जब हम बोर्ड की कंडीशन देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी खिचड़ी बन गई है। अदरवाइज जब रूल्स होते हैं ना वो बिल्कुल क्लियरली लिखे होते हैं, इसमें कहीं कोई मिस्टेक मतलब गुजपुछ नहीं होती है। लेकिन बात जब मैं जैसे इसके बारे में पर्सनल प्रोनाउन के बारे में अगर इसी को मैं समझाऊंगी यहाँ पे तो फिर मैं लिख दूंगी कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट में ये आएगा आई, माई, मी, प्लूरल सब्जेक्ट में वी, आवर, अस। तो ये जब चीजें मैं समझाती हूँ तब आपका ये बोर्ड ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा खिचड़ी बन गई है। अदरवाइज अब जैसे आपके मैंने पहले लिखा है
सारे के सारे पूरे 11 आपके मैंने सामने लिखे हैं, उसके बाद में मैंने फिर इनके वर्ड्स, इसलिए मैंने आपके बार साथ में नहीं लिखे वर्ड्स, वरना यही तो वर्ड लिखने थे इनके सामने, ये लिख दिए। लेकिन आप लोगों को जो है कि कंप्लेन रही कि मैम बहुत पास पास में लिखती हैं तो समझ में नहीं आता है, तो उसके बाद भी तो मैंने पूरी कोशिश की है, फिर भी अगर नहीं है तो मैं प्रोनाउंस करती हूँ इसको, पूरे जो वर्ड्स होते हैं, पूरा जो रूल होता है उसको मैं बार बार रिपीट भी करती हूँ। तो आप उस चीज़ को देख लिया करो, आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तक हो गए। अब आपका 7 पॉइंट आता है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। अब यहाँ ये आएगा नहीं, तो उसके लिए मुझे ये इरेज करना होगा। एम्फेटिक और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कौन कौन से वर्ड हैं ध्यान से देखना। आज वाले लेक्चर में केवल मैं आपको आइडेंटिफाई करवा रही हूँ, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ आपको एक बार, उसके बाद में एनालिसिस पॉइंट में बात भी करवाऊंगी। अब मैंने आपसे इससे पहले जो पॉइंट हमारा चल रहा था, मैंने ये कहा था कि कुछ नाउन के जो वर्ड्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनमें हमें क्या ऐसा पॉइंट आता है कि जिसपे हम थोड़ी सी उन दोनों में डिफरेंस कर सकें। तो वैसे एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन और इससे पहले वाला जो 6 पॉइंट था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उनमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सिमिलर हैं, तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एक पूरा रूल लिख दिया है। देखिए आप जरा ध्यान से, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, themselves, oneself का यूज, ये जो वर्ड्स हैं इनका यूज कब होता है ये जरा ध्यान से देखो आप। ये जो वर्ड्स हैं myself, ourselves, yourself, yourself, याद ध्यान रखना yourself और yourselves दोनों आए हैं, ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, ये प्लूरल के लिए यूज होता है। himself, herself, itself, themselves, oneself का यूज जब सब्जेक्ट को, इट मीन्स हमारा जो भी नाउन होता है, जो सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर अगर हम किसी चीज का फोर्स करते हैं कि तुम्हें ऐसा करना है, उसके ऊपर दबाव डालते हैं, उस पर जोर डालते हैं, तो सब्जेक्ट को एम्फेसाइसिस, एम्फेसाइसिस का अर्थ होता है दबाव या जोर करने के लिए किया जाता है, तब ये एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होते हैं। अर्थात एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज सामान्य सब्जेक्ट के जस्ट बाद में किया जाता है। आई रिपीट माय पॉइंट, इन सारे वर्ड्स का यूज सब्जेक्ट के रूप में होता है, और सब्जेक्ट के रूप में कब होता है, जब हम सब्जेक्ट के ऊपर किसी बात का दबाव डालते हैं, एम्फेसिस करते हैं, उसे जोर या दबाव डालते हैं, उस वक्त इनका प्रयोग किया जाता है, और ये अर्थात एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज सामान्य सब्जेक्ट के जस्ट बाद में किया जाता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अगला पॉइंट है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन अनिश्चय, दरवाजा कौन खटखटा रहा है हमें नहीं पता है, बाहर से नोक अगर हो रहा है गेट तो कौन खटखटा रहा है, आई डोंट नो। इसलिए इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, अनोदर, मच, फ्यू, लिटिल, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज इंडेफिनेट प्रोनाउन में किया जाता है। एग्जाम्पल, इनके रूल एक एक का जब मैं आपको पूरा एनालिसिस करूंगी तब मैं आपको जानकारी दूंगी। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस रखना है, ये रूल तो आप इसके साथ ही लिख देना। जब आप इसके बारे में, ये जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, तब ये जो रूल हमने कहा कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद में किया जाता है, जस्ट बाद में इसका यूज होता है, तो ऐसे पॉइंट, ये वाला पॉइंट तो आप इसके बाद में लिख लेना अपनी नोटबुक में। उसके बाद में जब हम इसके बारे में पूरा एनालिसिस करूंगी, आपको रूल्स लिखवाऊंगी, तब एग्जाम्पल के साथ इनको
लिख लेना, ताकि फिर कभी भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। द इंडेफिनेट प्रोनाउन ये सारे वर्ड्स होते हैं, तो ये 8 हमारे इंडेफिनेट हो गए। अब नवा इंडेफिनेट, सॉरी 8 प्रोनाउन हो गए। 9th प्रोनाउन हमारा है, 9th पॉइंट है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में हु, whom, whose, which और that, ये 5 पॉइंट आपके रिलेटिव प्रोनाउन के होते हैं। हु, whom, whose, which और that रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है, जब हम पूरा इसके बारे में बात करेंगे तब होगा। अभी फिलहाल वर्ड्स आप लिख लीजिए इसमें। अगला है रिलेटिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हु, whom, whose, which, what। ये पॉइंट तब आते हैं जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं किसी से, जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, तब इनका प्रयोग होता है। ये रिलेशन दिखाएंगे इसमें, रिलेशन आएगा कि पर्सन हु, इस टाइप से जो वर्ड आएंगे ना इसमें, मैं आपको बताऊंगी पूरा एग्जांपल के, पूरा एग्जांपल्स करवा के बताऊंगी। फिर है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में केवल आपका एक वर्ड यूज होता है, व्हाट। व्हाट किसी भी पॉइंट पे जब हम किसी बात का सरप्राइज होता है, तो ऐसे बात के लिए हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन यूज होता है। तो किसी भी सरप्राइज सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, जब हम किसी भी चीज़ से सरप्राइज होते हैं और उस वक्त कहता है कि व्हाट, तब हम इसका यूज करते हैं। और ये केवल वर्ड जो है सरप्राइज एक्सप्रेस को यूज करने के लिए किया जाता है, और जब ऐसी कंडीशन होती है तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होता है। आज हमने इस लेक्चर में केवल सारे जो 11 प्रोनाउन हैं उनके बारे में, कौन कौन से वर्ड होते हैं और कब हम यूज करते हैं उसके, कब यूज करते हैं वो तो हम बाद में बात करेंगे। वर्ड्स कौन से होते हैं, प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं, ये सारा का सारा मैंने आपको बताया। थैंक यू।